भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव के जो है शासन चलाते थे ऐसा है जो रामायण में भरत जी का रोल रहा अगर आप देखें इस देश का इतिहास रहा है मुझे लगता है की जी का वर्डन और उनका जो दायित्व है इस वक्त वो उसी, उसी प्रकार का है दो दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था तो इसने हर किसी को हैरान कर दिया था ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए बेहद कड़ी शर्तें रखी थी जिनमें मुख्यमंत्री सचिवालय ना जाने और सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं करने की शर्त शामिल थी लेकिन केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी इससे दिल्ली का गवर्नेंस प्रभावित नहीं होता क्योंकि केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय था ही नहीं मंत्रालयों की फाइलों पर तो मंत्री दस्तखत करते हैं मैं यहां आपको ये भी बता दूं कि 13 सितंबर को जेल से छूटने के अगले दिन यानी 14 सितंबर को अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल मनीष सिसोदिया आतिशी जय संजय सिंह राघव चड्डा और विभव कुमार ने अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर उनसे मुलाकात की थी लेकिन आज आतिशी को कमान मिलने के बाद बीजेपी और स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल पर चौतरफा आक्रमण कर दिया सुनिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। उन्होंने ये देखा होगा कि ठीक है ये लॉयल हैं, ये मेरी फाइलें नहीं खोलेगी अधिकारियों को वही कहेगी जो हमने कहना है पहले से ठीक करके रखा होगा तो इनके यहाँ नया नेता बनाने का मापदंड उसके नेतृत्व की या काम करने की क्षमता नहीं है अरविंद केजरीवाल को कितना सुरक्षित रख सके उनके काले कारनामों पर किस तरीके से पर्दा डालकर रखें। आतिशी के खिलाफ पपिट सीएम वाला आरोप अपनी जगह है तो उधर आज आतिशी से जोड़कर अफजल गुरु चैप्टर भी खोल दिया गया सुनिए ये बयान आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशन दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो कि अफजल गुरु निर्दोष है कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या अफसर गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में अटैक किया इनोसेंट लोगों को मारा लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अफजल गुरु की फांसी गलत है इस दिशा में इनके पिताजी और इनके साथ जुड़े हुए लोगों ने वकालत की थी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई ये महिला दिल्ली की सीएम बनने जा रही है तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल सवाल पब्लिक का नंबर एक आतिशी सिर्फ चुनाव तक दिल्ली की सीएम या पपेट सीएम का बीजेपी का आरोप दमदार केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर चुनावी झाड़ू चला दिया या अफजल गुरु वाली नई मुसीबत आतिशी दिल्ली का चेहरा तो शराब घोटाला पर बीजेपी का आरोप क्या फुस हो गया यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया तहसीन पूनावाला राज राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है प्रियंका कक्कड़ जी को जो आम आदमी पार्टी की चीफ प्रवक्ता हैं और प्रियंका कक्कड़ जी बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर और सवाल यही है कि ये सियासी दाव है इमेज मेकओवर है या फिर बीजेपी का जो आरोप है कि आतिशी को एक कठपुतली की तरह रखा गया है और खड़ाओं की तरह वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी असली मुख्यमंत्री अब भी अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे जो ऑफिस में नहीं रहेंगे लेकिन पावर में पूरे रहेंगे प्रियंका जी मेरा सवाल माफ कीजिएगा शायद उन्होंने अभी ईयरपीस लगाया नहीं है कनेक्शन कट गया है प्रियंका जी मेरा मेरा पहला सवाल अगर आपके आपको सुनाई दे रहा हो तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ये इमेज मेकओवर है अरविंद केजरीवाल का या फिर पपेट सीएम का जो आरोप बीजेपी ने लगाया है आ, कि पावर में रहेंगे अरविंद केजरीवाल बस ऑफिस में आतिशी रहेंगी सभी को नमस्ते नविका जी और नविका जी पपेट की जहां तक बात होती है पपेट दिल्ली में एलजी हैं है जैसे वो भाजपा के कहने पे दिल्ली वालों के काम लगातार रोकते हैं पपेट की बात है तो वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अडानी के हाथ में पपेट हैं और केवल एक परसेंट देश के लिए काम करते हैं और बाकी जनता आज ऐसा हालात है कि अस्सी करोड़ जनता आ, मुफ्त आलाज आ, अनाज पर मोहताज हो चुकी है अब हमने तो बहुत साफ ही कहा है कि दिल्ली वालों ने वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर दिया था और हम सुनिश्चित करेंगे कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने क्योंकि उन्होंने दिल्ली का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर किया दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम दिल्ली में है मुफ्त बिजली दिल्ली में मिलती है मुफ्त पानी दिल्ली में मिलता है महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा है कि पूरे नॉर्थ नौ, इंडिया से एटलीस्ट सब लोग दिल्ली ही पढ़ने आते हैं और दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं इसी मॉडल को इसी मॉडल से आहत थी भाजपा उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा तथा खते शराब घोटाला शराब घोटाला बोल बोल के और आज ईडी कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वेष के भावना से काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केज पायरट की तरह काम कर रही थी और एक ऑनेस्ट व्यक्ति जिसने सिर्फ देश के लिए काम किया अब वो अग्नि परीक्षा देंगे ये दोनों कोर्ट के बेल के बाद भी और ऐसी ऑब्जर्वेशन के बाद भी अपनी जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आ, 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 कहेंगे कि अगर ईमानदार हूं तो ही वोट देना ऐसी हिम्मत किसी भाजपा के मंत्री में नहीं है किसी भाजपा के नेता में नहीं है गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए प्रियंका कक्कड़ ने तमाम तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगाए देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है आपके चैनल पर ही इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जो है वो केज्ड पैरेट की तरह काम कर रही है पैरा थर्टी थ्री है जस्टिस भुआ का जजमेंट उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि केज्ड पैरेट की तरह काम कर रही है तो पहले तो कंटेंप्ट इन्होंने कर दिया है और मेरी चेतावनी है कि ये कंटेंप्ट जब करेंगी तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले इनको जेल की सलाखों के पीछे डाले झूठ दे के आज का बड़ा सवाल क्या है आज का बड़ा सवाल यह है कि पहले जेल वाला सीएम मिला दिल्ली को कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल फिर बेल वाला सीएम मिला और आज नाविका जी एक फेल सीएम डेजिग्नेट मिल गया अतिशी मार लेना में और फेल क्यों मैं आपको बताता हूं देखिए बार बार कहा जा रहा है खड़ाऊ सीएम है खड़ाऊ रखे हैं और केजरीवाल वापस आएंगे पहले तो जब चुनाव होंगे दिल्ली की जनता ऐसा लताड़ेगी इस बार दो सीटें नहीं आएंगी और आखिरी पांच महीने हैं ये पापी आपके कार्यकाल के बड़ी संवैधानिक बात यह है आतिशी मार लेना संविधान की शपथ लेंगी अगर अरविंद केजरीवाल जो कि आज एक आरोपी है अभियुक्त है बेल पे बाहर है उनके खिलाफ प्रमाण मिलेगा तो वो खड़ाऊ सीएम बनेंगी या संविधान का सीएम बनेंगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करेगी ये उनकी जिम्मेदारी है लेकिन मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और एक बड़ी बात याद दिलाता हूं अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था विजय नायर डायरेक्टली रिपोर्ट टू अतिशी मारलेना विजय नायर शराब घोटाले में एक अक्यूज एक है बेल पे बाहर है तो मैं पूछना चाहता हूं जो भ्रष्टाचारी विजय नायर अतिशी मारलेना को रिपोर्ट कर रहा था सौ करोड़ का रुपया दिया तो आज क्या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भाई अतिशी मार लेना भी क्या शराब घोटाले में कई मिली है और मुझे विश्वास है सीबीआई ईडी अपना काम करेगी और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए विवेचना करेगी बिल्कुल ये सवाल तो आपको सीबीआई या ईडी से पूछना चाहिए गौरव भाटिया जी लेकिन प्रियंका कक्कर जी अजीब बात यह है कि ये जो खड़ाऊ वाला विश्लेषण आया ये बीजेपी का नहीं है खड़ा वाला विश्लेषण तो आम आदमी पार्टी के नेता खुद इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे वो सोमनाथ जी हों चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हों चाहे वो गोपाल राय हों सभी ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि केजरीवाल जी को हटना पड़ा तो क्या ये लाजमी नहीं है कि पपेट सीएम कठपुतली सीएम वाला चार्ज ये आरोप उन पर लगेगा नहीं क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया पपेट सीएम ये सारे आरोप गलत है हमारी पार्टी में एक बहुत डेमोक्रेटिकली सारा कुछ डिसाइड हुआ आपने देखा होगा कल एक पीएससी की मीटिंग हुई सीएम ने सबसे वन टू वन चर्चा की आज सुबह विधायक दल की मीटिंग हुई तब सबकी सहमति से ये नाम सामने आया और आतिशी जी बहुत काबिल इंसान है जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है बहुत सालों से कर रही है पार्टी के प्रति उनकी श्रद्धा है उन्होंने पूरी दिल्ली के लिए शिक्षा होटल पे बहुत काम किया है हम सबको पता है अब क्या है कि आ, हम तो खुल के कह रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया था और हम आने वाले चुनाव में भी ये इंश्योर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री मिले हम तो खुल के ये कह रहे हैं पर इस टाइम पे इस पीरियड में देखिए बीजेपी की मंशा रहती है कि, कि किसी भी तरीके जो दिल्ली मॉडल है जो दिल्ली में सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं और उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट भी सरकार पेश करती है किसी तरह उसको रोका जाए क्योंकि भाजपा अपने किसी स्टेट में तो फ्री बिजली दे नहीं पाती भाजपा अपने किसी स्टेट में फ्री पानी तो दे नहीं रही भाजपा कहीं भी अपने स्टेट में किसी महिला को फ्री बस यात्रा तो दे नहीं रही भाजपा के स्टेट में कहीं भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा में तो मुफ्त में जा नहीं रहे तो इसको रोको क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को रोकना है उस पर प्रहार करना है लगातार इस मॉडल को वो रोकना चाहते हैं लगातार और मैं आपको ये बहुत, बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मैं गौरव भाटिया की जो आ, लास्ट स्टेटमेंट थी उसका जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ गौरव भाटिया जी लेकिन नाविका जी व्यक्तिगत टिप्पणी करी ऐसा तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उंगली भी लगा सके भाजपा के प्रवक्ता को और मुझे तो कैसे भी नहीं लगा पाएगा लेकिन हाँ एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे और गाल जो है उनका सूज गया और वो सूजन हमने देखी है इसलिए थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से ये इनको पता होना चाहिए व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे शरीर बड़ा हो गया बुद्धि बड़ी नहीं हो पाई बिचारी की मुझे संवेदना प्रकट करनी चाहिए मुझे लगता है मुझे लगता है कि हमें पर्सनल कॉमेंट नहीं, लेकिन नहीं लेकिन करने, लेकिन लेकिन करने लेकिन चाहिए म, खास करके महिलाओं के सामने होते हुए और और प्रियंका जी मैं आपसे भी कहूंगी लेट्स नॉट गेट पर्सनल मुद्दे पर चर्चा करते हैं मुद्दा डिबेट का है हम इस पर बात करें बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करें आप सुनिए जी सुनिए पहले मेरी बात दाविका जी जी जब उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तब आप कहा इनको, थी यही थी वो जाते हैं बोला था थी। थी। कहा थी आप बताइए नहीं पर उन्होंने उन्होंने यही कहा कि आपका जो आरोप है वो आरोप है मुझे मुझे उस पर इंटरव्यून करने की बात बड़ा हो गया बुद्धि नहीं हुई दांत नहीं आया ताकि मेरी गलती थोड़ी ना है और नाविका जी अगर कोई व्यक्ति मैंने करे, मैंने उसे फिगरेटिवली मैंने उसे फिगरेटिवली, रोके। मैंने उसे उसे फिगरेटिवली मतलब उनकी उनके पॉइंट से उनकी दलील से आपकी दलील पिट गई इस इस मायने में समझा था इसीलिए नहीं कहा अब कह रही हूं क्योंकि मुझे लगा अच्छा। आपने आपने उनके उस पर बात की तो मुझे लगा सही नहीं है तो गौरव जी अब मतलब आप एंकर को जो मर्जी कहे लेकिन दलीलें भी तो पिटती हैं कोर्ट में, में, में रोज पिटती हैं लेकिन सवाल कर ये नहीं यही है धन्यवाद स... अब देखिए दूसरा प्रश्न ये आता है आतिशी मालेना मंत्री भी रही हैं मंत्री रह के उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है यह हमें बताना आवश्यक है सबसे पहले पावर उनके अंडर में था दो बार उन्होंने जो रेट था बिजली का उसको बढ़ाया जनता को कहते थे मुफ्त देंगे मुफ्त नहीं दिया बल्कि बढ़ा दिया पीडब्ल्यूडी स्कैम हुआ उनके अंडर में एल ने इंक्वायरी करी है ऑर्डर और एंटी करप्शन ब्यूरो वो इन्वेस्टिगेट करेगा इंक्वायरी करने के बाद क्या डीसिल्टिंग कर करनी थी उसमें 80 करोड़ रुपए इनका विभाग खा गया तीसरा हमने देखा दिल्ली में बाढ़ आई हमारे जो भाई बहन हैं वो मर गए उसमें मर गए आप सोचिए ये किसका काम था डी सिल्टिंग का आतिशी मालेना पीडब्ल्यू डी मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर भी रही हैं नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं अट्ठारह महीने रही अट्ठारह महीने में यहां पे पापी आपकी प्रवक्ता बता दे कितने नए स्कूल और कॉलेज खोले हैं फिर इन्होंने एक गलत बयान दिया इन्होंने कहा तीर्थ यात्रा ये करवाते हैं अरे आप तो शराब बेचते हैं वन प्लस वन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही नहीं है वहां पे तीर्थ यात्रा कराई जाती है और यहाँ पे आके अनगल बयान दे देते हैं आज सवाल ये है आतिशी मार लेना खुद कई शराब घोटाले में लिप्त तो नहीं है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको बनाया है कि वो उनको बचाएंगी और संविधान को तार तार करेगी और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ तहसीन पूना वाला जी ये ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने खेला है या इमेज मेको, मेक ओवर की एक कवायत इसे आप देखेंगे क्योंकि जेल से आए हैं थोड़ा रिजाइन करके एक मार्टर एक शहीद की तरह पेश होना क्योंकि उन्होंने दलील भी यही दी थी कि भगत सिंह की तरह आ, मैं आ रहा हूं और चढ़ जाऊंगा सूली पर आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है और इससे चुनावी नतीजों पर फर्क पड़े नी अवल तो आप इस शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार गुजार और अवल शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर और आतिश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी इसलिए तीसरी महिला मुख्यमंत्री दो तो चीज अगर आतिशी जी इतनी केपेबल है जो मैं मानता हूँ वो बहुत केपेबल है मैं ये एक्चुअली मानता हूँ तो क्यों ना आतिशी जी के चेहरे के नीचे चुनाव लड़ा जाए अगर कोई भी व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे कहते हैं मैं तो टेम्प्ररी चीफ मिनिस्टर कोई और चीफ मिनिस्टर बने कहा मैं समझता हूँ ये उस पद की गरिमा नहीं रखते दूसरी चीज अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव हो वो असेंबली डिसॉल्व कर दे इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चॉइस नहीं होगा बट इलेक्शन करवाने आप इलेक्शन आप असेंबली डिजोल्व ही नहीं कहोगे आप कहोगे चुनाव हो तो फिर वो कैसे होगा और भाजपा जो आतिशी जी पर पर्सनल टिप्पणी कर रही है खास करते उनके मां बाप के कुछ स्टेटमेंट्स को लिखते मैंने देखा माननीय किरण रिजू जी ने स्टेटमेंट दिया बाकी लोगों ने दिया मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया तो क्या आ, उसी आ, पैमाने से आ, आ, जो हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी उनकी बेटी को टिकट क्यों दी आ, उनके उन्होंने क्या क्या नहीं किया था या जो अजय मिश्रा टेनी उनके बेटे ने तो किसानों को रोड था उसके बाद भी वे गृह मंत्री बने रहे तो भाजपा को मोरालिटी का कोई राइट नहीं है भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में भेजा उस प्रज्ञा ठाकुर को जिसके खिलाफ टेरर चार्जेस विड्रॉ करने के समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं ये आज भी टेरर अक्यूज है और ऐसे टेरर अक्यूज को पार्लियामेंट में भेजा आतिशी के पेरेंट्स क्या सोचते क्या नहीं सोचते ये महत्वपूर्ण नहीं है आतिशी क्या और अमर ने उजाला, उजाला की अव्वल अव्वल तो मैं कहूंगी आपको बचना चाहिए ऐसे बयानों नहीं। से क्योंकि अफजल गुरु अक्यूज नहीं है प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज है अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है आतिशी ने डिस्टेंस क्या था आतिशी ने अपने आप को बिल्कुल दो हजार उन्नीस में उन्होंने एक हिंदी अखबार yes. को अपने इंटरव्यू तो में कहा था कि मेरे था? माता पिता के व्यूज से मैं अग्री नहीं करती हूं लेकिन गरिमा की आपने पद की गरिमा की बात कही तो मैं प्रियंका कक्कड़ जी ये छोटा सा सवाल पूछूंगी इससे पहले कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊं कि क्या टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बनाकर पद की गरिमा को कहीं ना कहीं नीचा किया है देखिए वो तहसीन जी का पर्सनल व्यू व्यू है ही टू पर्सनल बट बट वी डिसएग्री हम लोग आम आदमी पार्टी वाले हम तो बहुत साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक आम आदमी पार्टी वाले हर संभव प्रयास हर संभव कोशिश में लगे रहेंगे कि उनको किसी भी तरीके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया नॉट टू से नॉट टू हमारी पार्टी में एक से एक काबिल लोग भरे हैं ऐसा नहीं है कि कोई चौथी पास है कोई कोई चौथी फेल है कोई दसवीं फेल है कोई नौवीं फेल है ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर सारे ऑक्सफर्ड रोड स्कॉलर हैं आतिशी जी हमारे यहाँ पर संदीप पाठक जी हैं वो आई के प्रोफेसर रहे संगठन मंत्री हैं वो हमारे हमारे यहाँ पर राघव चड्डा हैं वो एल से हैं आप जिस मतलब बड़े से बड़े धुरिंदर पड़े हमारी पार्टी में उसमें वो नहीं है बट दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया था और अरविंद केजरीवाल जी अब जमीनी तौर पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत उनका नाम खराब किया और जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ नाम और इज्जत कमाई हो चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए सीबीआई को कोर्ट ने, जी ने बाहर आने के बाद दिया और अग्नि परीक्षा देकर ही जनता से ही सर्टिफिकेट लाएंगे भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तो, तो फिर ऐसा तो अरविंद केजरीवाल जी तभी कर सकते थे जब वो जेल गए इतनी देर इंतजार करने के बाद अब इस्तीफा देना आपको लगता है कि राजनीति की हिसाब से अच्छी और सही रणनीति है अरविंद केजरीवाल की लेकिन जी रणनीति बनाने में तो अरविंद केजरीवाल का कोई जोर नहीं है और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है शोध पत्र लिखा जाना चाहिए उन पर क्योंकि नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि आपदा में हम अवसर खोज लेते हैं अब सोचिए कि हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं हम लोगों के डिबेट में अभी ये भी प्रियंका जी ने बताया बड़ा अच्छा है कि आईआईटी से निकले लोग स्कॉलरशिप से हालांकि देश में प्रतिवर्ष करीब अट्ठारह हजार आई में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो योग्य लोगों की तो कमी नहीं है एक आईआईटी आईएम वालों ने पार्टी भी बनाई थी कोई उनका पुरसा हाल नहीं जानने वाला नहीं लोकतंत्र और पढ़ाई और किसी की आई आई की डिग्री दोनों तो अलग है लोकतंत्र में पहली बार ऐसा प्रहसन चल रहा होगा ऐसा हास्य विनोद चल रहा होगा कि आप कह लें कि नहीं नहीं अच्छा चलो ठीक है हमारे ऊपर आरोप है सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ रोक रखा है ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह ने नहीं फोन करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस की अपनी ड्यूटीज को कर नहीं सकते ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये न्यायालय की तरफ से आया है ये निचले न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जाने के बाद ये हुआ तो कृपा करके ऐसा पेंट ना करें कि लगे कि जैसे अरविंद जी तो बड़े कोई किसी शिखर पर बैठे हुए नैतिकता के पाताल लोग से शिखर पर जाने की जुगत है और मैं फिर से, दे से दे कह रहा हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है है इसमें इसमें मैं मैं अपनी बात खत्म कर प्रियंका जी मैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कोई कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाए आतिशी जी निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई जो बताए योग्य है अरविंद जी और मनीष जी के साथ काम करती रहे वो सब ठीक है लेकिन एक महिला को मुख्यमंत्री सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर एडहॉक सीएम बनाना मतलब हम लोगों ने ये तो सुना था कि एडहॉक और सारी चीजें होती हैं अरविंद जी कहते हैं कि हम सब क्रांतिकारी काम करेंगे पहली बार हो गया कि एक एडहॉक सीएम भी बनकर बैठ रहा है और मैं तहसीन भाई की बात से सहमत हूं अगर आपको लगता है तो आप डिजोल्व करिए असेंबली चुनाव होगा जीत कर फिर आइए लेकिन सवाल फिर वही क्या जीत कर फिर आएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा मामला जो बंदिशे हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी इस सवाल का भी जवाब दे लोकतंत्र में ऐसा मजाक नहीं करना प्रियंका प्रियंका कक्कर जी असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं की क्यों स्टॉप गैप एडहॉक मुख्यमंत्री देखिए आज के टाइम में नविका जी अगर आपने पास टेन ईयर्स बहुत क्लोजली फॉलो किए हैं तो आपको पता है कि भाजपा का जब मन करता है वो चुनाव पोस्टपोन करती है जब भाजपा का मन करता है वो चुनाव पहले करा देती है जब भाजपा का मन करता है वो राष्ट्रपति शासन लगा देती है जब भाजपा का मन करता है वो इंटरनेट बंद कर देती है स्टेट का जब भाजपा का जो मन करता करती है बार बार आप सुनते हैं वन नेशन वन चुनाव वन नेशन वन चुनाव तो दो स्टेट्स के तो आ ही रहे ना अभी महाराष्ट्र के झारखंड के करा लीजिए चैलेंज तो ये कर रहे हैं ना बार बार कह रहे हैं दिल्ली में ये होगा वो होगा करा लीजिए चुनाव इसलिए ये कहा जब भी चुनाव होंगे हम सुनिश्चित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार भी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के पर मैं आपको एक बात बोलूंगी अभी सर ने मुझसे पहले कहा कि आ, ऐसा पिक्चर ना पेंट किया जाए सर क्यों ना करें ईडी e कोर्ट में बड़ी स्पष्ट फाइंडिंग है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक चवन्नी का एविडेंस नहीं है ईडी e कोर्ट के आ, आ, मामले में बहुत स्पष्ट फाइंडिंग है कि पीएमएलए कोर्ट की फाइंडिंग है कि ईडी e द्वेष की भावना से काम कर रही है पीएमएलए कोर्ट ऐसा कह रहा है ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट केज तोता बुला रहा है इसको क्या रह गया फिर इसमें बेल के बाद नाउ ये एक बात हुई दूसरा आपने इनसे ये भी पूछा कि बाप ने बे पहले क्यों नहीं आपने जेल जाने से पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया तो उसका बहुत साधारण सा आंसर है न, नविका जी कि भाजपा हमें लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही थी चाहे वो चंडीगढ़ में इन्होंने वोट चोरी की जो कैमरा पे पकड़ी गई तब तक लताड़ पड़ी चाहे सीबीआई ईडी इन्होंने हमारे ऊपर दुरुपयोग किया चाहे इन्होंने चाहे इन्होंने खरीद फरोद की राजनीति की आतिशी जी के खिलाफ भी की थी इन्होंने बाय द वे खरीद फरोद की राजनीति कंप्लेंट वंप्लेट भी डाली थी हमने कुछ हुआ नहीं क्योंकि भाजपा की एजेंसीज है तो ये आ, उस टाइम पे अगर जब जेल इन्होंने झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को डाला अगर तब इस्तीफा देते तो वो एक संदेश पूरे देश को होता कि भाजपा पीएमएलए के केस लगाएगी ऑपोजिशन स्टेट्स में उनके चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालेगी और चीफ मिनिस्टर रिजाइन कराएंगे और सरकार गिर जाएगी चाहती थी तो इनकी इनके ट्रैप में क्यों आए ओके गौरव बहुत से आरोप बहुत से आरोप लगे हैं कुछ कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट है लेकिन पहले आप जवाब दिए लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दू इन्हें झूठ बोल रही है कंटेम्प्ट पहले भी किया इन्होंने अब दोबारा गलत बोला ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है ईडी केस में सीबीआई केस में है, है। और ये सीबीआई केस में जो केज पैरेट की बात करी है दो जजेस थे एक जजेस ने कमेंट किया और वो ये भी नहीं कहा कि सीबीआई इज अ केज पैरेट बल्कि केज पैरेट टर्म जो हुआ था वो यूपीए शासन में हुआ था दूसरा ईडी कोर्ट का ये ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का और यहाँ कहीं नहीं लिखा है मैं चुनौती देता हूँ इस झूठी प्रवक्ता को बता दे किस पैरा में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है ये अगर ये मुझे बता दे तो जो कहे मैं हार जाऊं तीसरी बात अगर साक्ष्य नहीं थे नाविका जी उच्च न्यायालय जाके या सर्वोच्च न्यायालय जाके आपने खत्म चोरी कर 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 करा लिया मुकदमा भजन लाल का केस पढ़िए सर्वोच्च न्यायालय का क्योंकि साक्ष्य है प्रमाण है प्रथम नहीं खत्म तो मतलब चौथी बात देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सीएम जब आई है तो अब जितने भी देश के खिलाफ ताकतें हैं वो लोग खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मार लेना मार लेना मतलब मार्क्स और लेनिन का मिक्सचर वो आया है जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा और इसलिए मैं कहता हूं कहीं भी आतिशी ने एक बार नहीं कहा कि अफजल गुरु आतंकवादी है जो उसके माता पिता ने कहा वो गलत है उस विचारधारा का मैं विरोध करती हूं ये कोई दिखा दे उनका स्टेटमेंट तो मैं मानू एक बात और कहूंगा 2014, 2019, 2024 दिल्ली की जनता ने लोकसभा में इनको सात सीटों में शून्य दे दी अंडा और अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे नाविका जी उन्होंने कहा था जनता मेरे साथ खड़ी होगी सातों सीटें हार गए थे इसका मतलब दिल्ली की जनता ने पापी आपको और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लताड़ा अंत में एक बात और कह दू आप कहते हैं चुनाव जल्दी कराइए अगर चुनाव जल्दी चाहिए इस असेंबली का टर्म तो फरवरी तक है फरवरी तक 2025 तो आपको विधानसभा भंग करने का रिकमेंडेशन करना चाहिए था और कैबिनेट के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए था दोनों काम आपने किए नहीं और ये क्यों नहीं किए और बिल्कुल और, और प्रियंका तो जी प्रियंका तो जी इससे पहले, पहले आपने कहा कि कभी और... भी बीजेपी एक्सटेंड करा देती है चुनाव कभी भी आगे करा देती है आगे कराने का फैसला आपके हाथ हाँ में है और एक्सटेंड हो नहीं सकता क्योंकि संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है संविधान में जैसे ही पांच साल पूरे होते हैं तो असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का जो दायित्व है वो इलेक्शन कमीशन पर है मैं बस ये फैक्ट कोट करना चाहती थी लेकिन पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ल हैदराबाद हरदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तभी क्या बीजेपी को यह पता चला कि इनके माता पिता अफजल गुरु के पक्ष में थे इससे पहले क्यों नहीं पता चला धनंजय का यूट्यूब पर सवाल है अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की घोषणा क्यों नहीं की सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है नहीं चाहिए फ्री राइट दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी मुफ्त दिल्ली चाहिए क्योंकि हमें गवर्नेंस के नाम पर क्या मिला सवाल तीन है प्रियंका जी मैं आपसे पूछूंगी हाल ही में बारिश के सीजन में कोचिंग सेंटर में जिस तरह से पानी गया जिस तरह से वहाँ छात्रों की मौत हुई बहुत बहुत से गवर्नेंस के ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता उठा रही है और हम सब ने देखा है सवाल इस बात का नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है कौन मुख्यमंत्री बनेगा कब चुनाव होंगे सवाल इस बात का है कि जनता को क्या मिलेगा Uh, नविका जी इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट जो दिल्ली में राजेंद्र नगर में हुआ था इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट और जितना भी दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है बट uh, uh, ये एक फैक्ट है जैसे आपने फैक्ट स्टेट किया मैं उस uh, uh, वो फैक्ट है कि बीजेपी दिल्ली में एमसीडी के कुशासन में थी पंद्रह साल तक और उन्होंने बिना कुछ भी प्लानिंग के बिना उन्होंने कहीं भी कुछ भी क्रॉप अप करने दिया आपको ध्यान होगा कोर्ट ने भी कहा कि ये सब पुलिस की मिली भगत के बिना ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं आ सकते थे आपको भली भांति पता है कि लैंड पुलिस और एमसीडी पंद्रह साल तक हमें तो वहां हम लोग तो 2022 दिसंबर में ही आए ना एमसीडी में तो आपको भली बात किसके हाथ थी हम लोग बहुत हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं दस सालों से कि हर तरह से करप्शन खत्म हो जाए भाजपा जितना मर्जी हम पे कीचड़ मलने की कोशिश करती रहे बट हम कट्टर ईमानदार थे और कट्टर ईमानदार रहेंगे साथ ही एक और क्वेश्चन आपने इन्होंने डीसिल्टिंग की बात बहुत उठाई पीडब्ल्यू की बात और बुटाई तो मैं इनको बता दू कि हमारे मंत्रियों ने लगातार एल साहब को लिखा है कि दिल्ली सरकार के पैसे देने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि डी सिल्टिंग नहीं हुई तो उन अफसरों पे एक्शन लिया जाए उनसे जवाबदेही हो कि क्यों सरकार से पैसे मिलने के बाद भी डी सिल्टिंग का आ, 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 उनका ऑडिट कराया जाए ये तक हमने मांग की पर, है बार बार आप मांग ए, की है एमसीडी की बात कह रही है एमसीडी के चुनाव एक साल नौ महीने दस महीने पहले हुए थे और आप जीत चुके थे लेकिन गौरव भाटिया अब भी यहाँ दिल्ली में जो चाहे वो कचरे की पूरी व्यवस्था है या पानी भरने की व्यवस्था है उस पर बीजेपी पर इल्जाम है पर ये सही भी है कहीं पर क्योंकि लैंड पुलिस तो आपका है नाविका जी आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं आपसे उम्मीद नहीं थी इस तरह का आप गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट किसके पास था आपको मालूम है आतिशी के पास जब बारिश आई और फ्लडिंग हो गई एक हमारा भाई है कनिष्क तिवारी उसने एक पत्र लिखा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को और कनेश तिवारी ने कहा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से कि यहां फ्लडिंग हो रही है करोलबाग और राजेंद्र नगर में इसको ठीक करा लीजिए और उसके कुछ दिन बाद एक हमारा भाई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है बिजली लगने से मर जाता है अब इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है दूसरी बात एमसीडी की जिम्मेदारी है एमसीडी में दो साल से ये सत्ता में है दो साल से दो साल में डी सिल्टिंग नहीं करा पाए तीसरा मैं तथ्य आपको देता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डी सिल्टिंग स्कैम हुआ मैंने अस्सी करोड़ का जिक्र किया पालम एरिया में ये एक स्कैम है ये रुपया कहा गया पापी आपने अपने खजाने में डाला आतिशी मार लेना ही इसकी जो है मंत्री है डिपार्टमेंट की और सबसे बड़ी बात है झूठे वादों का क्या वादे हैं टूट जाते हैं पंद्रह लाख सीसीटीवी लगाएंगे दस साल पहले कहा था नहीं लगाए पांच सौ नए स्कूल आएंगे नहीं आए बीस नए कॉलेज खोलेंगे नहीं खोले पांच हजार डीटीसी बसेस आएंगी नहीं आई आठ लाख सरकारी नौकरी देंगे दस साल में नहीं दे पाए और जल लोकपाल लाएंगे अन्ना हजारे कहते रह गए वो भी इन्होंने नहीं किया आर सब... क्वालिटी टैप वॉटर आएगा किसी नल में नहीं आया मोदी जी ने दिया नल में जल और सबसे बड़ी बात है यमुना को मैं साफ कर दूंगा इन्होंने कहा पच्चीस के चुनाव से पहले अब तो अरविंद केजरीवाल खुद ही चले गए हैं अब तो यमुना का क्या होगा बहुत सारे सवाल है प्रियंका जी इससे पहले कि आपके पास आऊं सवाल भी पूछना चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी भी तो इनसे पूछ के फिर आपके पास आती हूं तहसीन पूना वाला आप हाथ उठा रहे हैं आप गौरव गौरव पर प्रश्न उठा रहे हैं या प्रियंका जी पर भाजपा पर देखिए एंटी करप्शन यूनिट जो था ये पहले शीला जी के पास फे, था फे, फे, स्टेट गवर्नमेंट के पास था ऐसा क्यों है नाविका जी प्रियंका जी बहुत दिनों बाद आई हैं गौरव जी आप आते रहते हैं सौभाग्य है हमारा ओह अच्छा अच्छा नहीं ठीक है वो जनता को पता होना चाहिए प्रियंका जी है माफ कीजिएगा गौरव जी तहसीन जी तहसीन जी आपसे मुझे जी मत बोलो मुझे तहसीन ही बोलो आप कुछ मुझे आपसे बुलाइए कोई दिक्कत नहीं है नाविका जी देखिए इसके पहले एंटी करप्शन को उनको जो चाहिए कर लीजिए नाविका जी इसके पहले एंटी करप्शन यूनिट दिल्ली सरकार के पास हुआ इलीगल तरीके से भाजपा ने उनसे ले लिया मैं आपका कोई सपोर्टर नहीं हूं लेकिन ये इीगल तरीके से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एक इलेक्टेड सरकार ही दिल्ली को चलाना चाहिए एल जी को उनकी बात सुननी चाहिए वो भी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया अगर आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में हो तो उनको ताकत दीजिए उन अफसरों को प्रोसिक्यूट करना अगर एल जी साहब उनके रिकमेंडेशन पे काम नहीं करेंगे जो करते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी कैसे आ सकती है मैं फिर भी मानता हूं पार्टी अगर चाहती है कहीं ना कहीं गलत है कि सुप्रीम कोर्ट जल से जल उस, उस चीज का फैसला करना चाहिए कि उनके वर्डे को किस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से चेंज कर दिया गौरव भाटिया जी थर्टी सेकेंड जवाब दीजिए देखिए आज तहसीन जो बयान यहाँ दे रहा है और जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है उसमें थोड़ा विरोधाभास है मुझे लगता है तहसीन आज आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बन गए हैं संदीप दीक्षित का जरा बयान सुन ले क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली इकाई के जो है उन्होंने क्या कहा है उन्होंने तो कहा है ये सब दिखावा है दिखावा और तहसीन डिफेंड कर रहे दूसरी बात तहसीन भैया एमसीडी पीडब्ल्यू डी इरीगेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ये सब दिल्ली सरकार के ही अंडर में आता है आतिशी मान लेना मंत्री थी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है सारी कमियां जो मैंने बताई ये सारी कमियां उन विभागों में है सवाल को ये है कि इस पूरे इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता फुटबॉल बन के, बन के रह गई है।, है लेकिन दर्शक भी यही सवाल पूछ रहे हैं ब्रिजलाल कावा का यूट्यूब पर सवाल है आम आदमी पार्टी का दावा है कि पार्टी में सब पढ़े लिखे हैं तो क्या दूसरी पार्टियों में सब गैर पढ़े लिखे लोग हैं ये क्या शराब घोटाले के आरोपों से बचने का हथकंडा नहीं है जितेंद्र सिंह वसावा का यूट्यूब पर सवाल है अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर कोर्ट ने केजरीवाल के लिए जमानत में इतनी शर्तें क्यों रखी मनोज पांडे का मुंबई से सवाल है केजरीवाल खड़ाओं तो पहनते नहीं तो फिर प्रियंका जी बताएंगी कि आतिशी क्या है ये कठपुतली चीफ मिनिस्टर का जो आरोप है ये सही नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी जनता जो है वो सब कुछ जानती है पब्लिक जो है वो सब कुछ जानती है मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ टाइम बाई कर रही थी उसने इसलिए ये स्टेप लिया है कि एक जैसे आपने कहा एडहॉक सीएम बिठा दिया है या फिर कहीं ना कहीं इन्हें अगर लड़ना था और कट्टर ईमानदारी को प्रूव करना था तो असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए नविका जी मैं बहुत बिना किसी लाग लपेट के कह दूं आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली छवि ध्वस्त हो चुकी है जो ईमानदारी की छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है और हमें बहुत अच्छे से याद है कि जब एक मुख्यमंत्री आवास शीश महल सा बन गया जब एक मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की चीजें दिखी जो किसी और मुख्यमंत्री आवास में इस तरह से हमने नहीं देखा और उस वक्त अरविंद जी के पास एक अवसर था कि वो कहते और दिखाते कि नहीं नहीं ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे अब हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले दो महीने के लिए वो त्याग कर दें और कहें कि अब हम दो कमरे किसी घर में जा रहे हैं या एक ही कमरे वाले में चले जाएं लेकिन सब ने उनका वो भाषण सुना है कि कितना चाहिए भाई हमको तीन कमरा रहने के लिए तीन कमरा ऑफिस के लिए क्या हो गया और शीला दीक्षित जी का चिक्र तहसीन भाई कर रहे हैं शीला दीक्षित जी का जो बंगला था जितने में वो रह ले रही थी उसको तोड़ना पड़ा आगे भी और एरिया बढ़ाना पड़ा पीछे भी और एरिया बढ़ाना पड़ा तो दो चीजें आम आदमी पार्टी में आम आदमी कहां है नंबर एक जो सुख सुविधा जिस तरह की चीजें और दूसरा जो ईमानदार पार्टी कहती थी अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी उस पर सबसे बड़ा काकर जी आपके पास 40 सेकंड है पूरा जवाब दीजिए दोनों सवालों का नविका जी मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी में कुछ नहीं बदला वो कट्टर ईमानदार थे कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार रहेंगे इसी ईमानदारी से मोदी जी डरते हैं जिस वजह से उन्होंने उनको जेल में डाला इतनी आप सोचिए तीन साल तक हाउंडिंग की है अरविंद केजरीवाल जी की और हमारे नेताओं की और कहीं कुछ नहीं मिला इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी आ गई है सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की तो फिर की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें क्यों रखी, रखी? उसके ये, सवाल पब्लिक पूछ रही है मैं आपको बता देती हूँ मैं जवाब देती हूं आपको आप प्लीज सुनिएगा ये बात ये एक दुष्प्रचार भाजपा का किया हुआ है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती उन अब ये ये भाजपा का आरोप नहीं, नहीं, नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब शर्तें रखी कि आप सचिवालय नहीं जा सकते आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते क्या इसका बचाव सिर्फ राजनीतिक आरोपों से दिया जा सकता है क्या ये मेकओवर है क्या ये एक तरह से डेस्परेट इमेज चेंज करने की एक कवायत है ये सवाल आज जनता पूछ रही है आगे क्या होता है शपथ ग्रहण कब होता है और ये सरकार आतिशी जी के साथ कैसी चलती है इन सब की बात हम आपको बताते रहेंगे और आपके सवाल उठाते रहेंगे